दोस्तों, आज हम बात करेंगे आदिवासी अंचल के लिए जीवन रेखा रेलमार्ग का काम करने वाली छोटा उदयपुर धार रेल लाइन प्रोजेक्ट की। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये चौबट रेलवे स्टेशन का दृश्य है और ये मैं विशेष धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ एनोश विल्सन जी को, जिनके माध्यम से हमें ये वीडियो प्राप्त हुआ है। वो स्पेशल जाके ये वीडियो बना के लाए हैं ताकि हम सब चैनल पे जोबट रेलवे स्टेशन का नज़ारा देख सकें। दोस्तों, छोटा उदयपुर धार रेल लाइन प्रोजेक्ट जो है वो इंदौर दाहोद रेल लाइन प्रोजेक्ट के साथ ही शुरू हुआ था सन 2008 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इन दोनों प्रोजेक्टों की आधारशिला झाबुआ में रखी थी। 157 किलोमीटर लंबी ये रेल लाइन परियोजना है दोस्तों। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये जोबट तक ये लाइन जो है बिछ चुकी है छोटा उदयपुर से, और फिलहाल जो है वो जोबट से डेकाकुंड होते हुए टांडा रोड के बीच में कार्यों की गतिविधियां जो हैं वो जारी हैं। टिकट घर आप देख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत सा ये रेलवे स्टेशन है जोबट, और दो प्लेटफॉर्म और एक साइडिंग जहाँ पे कोई कोच वगैरह या कोई दूसरी कोई ज़रूरी कोई इंजन वगैरह खड़े रखने की यहाँ पे सुविधा दी गई है। ये स्टेशन मास्टर है। फिलहाल यह स्टेशन अभी ऑपरेशनल नहीं है दोस्तों, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि ये जनवरी फरवरी तक जो है, जो प्रताप नगर से फिलहाल जो अलीराजपुर तक जो ट्रेन चलती है तो उसका एक्सटेंशन जो है वो यहाँ तक हो जाएगा, तो जोबट के लोगों का भी जो रेल का सपना है वो पूरा हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ हैं ये ऊपरी मंजिल पे जाने के लिए। ये सब जो रेलवे की जो विभिन्न जो सर्विसेज हैं या उनके सब रूम्स वगैरह बने हुए हैं, टीआरपी ऑफिस, बड़ा ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन बना है दोस्तों, टॉयलेट्स हैं। छोटा उदयपुर धार रेल लाइन की दोस्तों हम बात करें तो मैं सितंबर तक का आपको जो स्टेटस है वो आपको बताता हूँ। लगभग 72.34 किलोमीटर लंबी रेल लाइन जो है वो दोस्तों बीत चुकी है और 85 किलोमीटर का काम बाकी है इस प्रोजेक्ट में। चूँकि लाइन अब जो है वो धार के बजाय तिरला में ही इंदौर दाहोद रेल लाइन से मिलेगी, इसलिए 6 किलोमीटर की जो है वो बचत हो जाएगी। अब मतलब ये कह सकते हैं कि लगभग 79 किलोमीटर हिस्से में और लाइन बिछना बाकी है और यही सबसे क्रूशियल जो है वो सेक्शन रहेगा। पश्चिम रेलवे ने दोस्तों इस प्रोजेक्ट का जो टारगेट रखा है कंप्लीशन का, मार्च 2027 का है। और वर्तमान में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो उसमें सबसे अच्छा, जितने भी न्यू लाइन प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो छोटा उदयपुर धार रेल लाइन का ही है। हम दोस्तों आगे बात करें, वर्तमान में इस प्रोजेक्ट की जो लागत है 1794 जो करोड़ है, 1794 करोड़ रुपये तक जा पहुँची है। छोटा उदयपुर से अलीराजपुर तक 48 किलोमीटर और अलीराजपुर से खंडाला तक 9.8 किलोमीटर, मतलब लगभग 57.80 किलोमीटर तक ये काम हो चुका है। और खंडाला से जोबट की बात करें तो 14.62 किलोमीटर का जो है वो भी CRS भी हो गया है, लेकिन फ़िलहाल जो है वो इस सेक्शन के जो इलेक्ट्रिफिकेशन संबंधित जो काम है वो भी अंतिम चरण में है, तो इनका CRS भी जल्द मुझे लगता है दिसंबर या जनवरी में हो जाएगा और फिर ट्रेनें यहाँ से चलने लगेंगी। दोस्तों फिलहाल जो काम चल रहा है वो जोबट से डेकाकुंड के बीच में 11.88 किलोमीटर लंबे हिस्से में हो रहा है, और फिलहाल डेकाकुंड से टांडा रोड का जो 15.70 किलोमीटर का भी ये हिस्सा है वहाँ भी कुछ कुछ काम चालू हो गए हैं। जैसे इंजीनियरिंग के लगभग 40% काम पूरे हो चुके हैं, सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम के 5%, और जो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन है उसका महज 2% काम हो पाए हैं। दोस्तों आप बात करें कि टांडा रोड से धार के तिरला तक लगभग 51 किलोमीटर लंबे हिस्से में जो है ये अभी फ़िलहाल जमीन अधिग्रहण का काम हो रहा है। फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना इसको एक बड़ी चुनौती है।
तो अभी ये गतिविधियाँ जो हैं ये चल रही हैं। दोस्तों आपको एक और चीज़ बताऊँ, ये जो प्रोजेक्ट है मालवा के लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है। अभी जो हमको बम्बई जाने के लिए जो पूरा उज्जैन और अपना रतलाम दाहोद होते हुए जाना पड़ता है, तो दोस्तों ये सब जो दिक्कतें हैं वो ये जो रेल लाइन है छोटा उदयपुर, ये हम सीधे वडोदरा तक यहाँ से जा सकेंगे। और जो एक पूरा पिछड़ा जो एरिया है अलीराजपुर जोबट का, ये आदिवासी ये जो ये जिला है वो रेल लाइन आने से मेन लाइन या एक विकास की धारा से जुड़ जाएगा। बहुत अच्छी बात यह है कि इसका हाथों हाथ ही जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन भी किया जा रहा है। देखिए आप जोबट का रेलवे स्टेशन कितना खूबसूरत शेड और बिल्डिंग वगैरह दिख रहे हैं, दो प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, एक बीच में मेन लाइन रहेगी, दो प्लेटफॉर्म लाइन या लूप लाइन जिसे आप कह सकते हैं। तो दोस्तों ये स्थिति यह है जोबट तक की, और हमें उम्मीद करना चाहिए कि नए साल यानी 2024 में यहाँ से ट्रेनों का संचालन चालू होगा और जो लोग हैं वो रेल का सफ़र कर सकेंगे। और हम उम्मीद करते हैं जल्द ही यह रेल लाइन धार के तितला तक पहुँचे। और आपको ये बता दूँ दोस्तों कि धार के लिए जो फ़ायदेमंद दोनों ही रेल लाइन है, लेकिन जो प्रोजेक्ट पूरा होगा जो धार में जो सबसे पहले जो पहुँचेगा वो रहेगा इंदौर दाहोद, क्योंकि 2024 में यह प्रोजेक्ट धार तक आ जाएगा। दोस्तों ये वाले जो जोबट स्टेशन में फुट ओवर ब्रिज नहीं दिखेगा आपको, ये देखिए यहाँ पे पूरा एक सबवे बनाया गया है जहाँ से लोग आ जा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप ज़रूर बताइएगा, और आपको मैं अलग अलग जगह के काम दिखाने की लगातार कोशिश करता हूँ जिसमें हमारे व्यूवर्स भी बहुत मदद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।